वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडीज। आज हम लोग बनाएंगे भिंडी आलू की बहुत ही सिंपल और चटपटे मज़ेदार सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है और उसके अंदर हमने थोड़ा सा तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल के हल्का गरम होते ही हम इस तरीके से भिंडी को उसके अंदर ऐड कर देंगे। भिंडी बहुत ही अच्छे से वॉश करके फिर उसके बाद ही काटिएगा। भिंडी कभी भी काटने के बाद धोते नहीं है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा वो स्लिपरी बन जाता है, जो फिर बाद में पकाने में दिक्कत आता है। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, और नमक बिल्कुल भी ना ऐड करें इस समय, क्योंकि नमक ऐड करते ही भिंडी से पानी अलग होना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब बन जाएगा। तो इस वजह से हम पहले इसमें सिर्फ और सिर्फ हल्दी डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है फ्राई हो चुका है, तो इसको हम निकाल के अलग कर रहे हैं। हम लिटिल बिट फास्ट फॉरवर्ड किया है वीडियो को, इस वजह से लग रहा होगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड किया है। इसके अंदर हम दे देंगे ज़ीरा। ज़ीरा के हल्का सा छिटकने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज़ का एक अनियन। यहाँ पे मैंने एक सूखी लाल मिर्च को बीच से इस तरीके से तोड़ के ऐड कर दिया है। अगर आप तेज़ तीखा खाना पसंद करते हैं तो एक के जगह दो सूखी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, चॉइस इज़ एब्सोल्युटली योर्स। तो यहाँ पे मैंने प्याज को इस तरीके से स्लाइस करके ऐड कर दिया है। प्याज हल्का सा फ्राई होते ही, जब ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए आलू के स्लाइसेस। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो बिना आलू का भी बना सकते हैं, बट ये आलू के साथ भिंडी बनाने में बहुत ही मैंने खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और जब कुछ भी ना सूझे या फिर भिंडी का क्वांटिटी कम हो घर में सब्जी, तो उस समय आप इस तरीके से आलू को ऐड करके आप सब्जी का क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। खाने में भी स्वाद ऐड होता है और फिर वो एक टाइम के लिए बहुत अच्छे से काम भी चल जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू जो है इस तरीके से मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम हल्का सा नमक, हल्का सा टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है और इसको हम इस तरीके से चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जब आलू हल्का सा फ्राई हो जाए तो हम इसके अंदर सूखे सारे मसाले, जो भी कॉमन बेसिक से मसाले होते हैं, ज़ीरा, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हम ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम हम इस समय मीडियम टू हाई रखे हैं। आप बीच बीच पे चलाते हुए एकदम पूरा फोकस के साथ ही खाना बनाएं जब भी बनाएं, नहीं तो जल जाने की संभावना रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाफ टी स्पून के करीब जीरा पाउडर ऐड किया है, एक टी स्पून के करीब धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून के करीब सूखी लाल मिर्च। ये लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी वाली नहीं है, ये बस कलर के लिए मैंने ऐड किया है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप देगी मिर्च, जो बहुत तीखी होती है, वो वाला भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप हरी मिर्च का पेस्ट भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी के साथ मैंने सूखी मसाले को इस तरीके से फ्राई कर लिया है। तो इसके अंदर अभी हम एक बड़ा टेबलस्पून का एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम रेडीमेड जो पेस्ट मिलता है मार्केट में, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है एक बड़ा साइज़ का टमाटर, जिसको बहुत अच्छे से स्लाइस करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। आप चाहे तो फ्रेश चाहे तो क्या, हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप फ्रेश अदरक लहसुन ही इसके अंदर ऐड करें। मेरे पास उस समय था बचा हुआ, बहुत पहले का लाया हुआ, तो मैंने उसको इस्तेमाल में रख लिया। तो इस तरीके से मसालों को चलाते हुए थोड़ी देर बाद बाद ढक के गैस का फ्लेम मीडियम करके हम मसालों को बहुत अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, जब तक कि ना टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, दिखने से ही पता चल रहा है कलर इसका कितना अच्छा आया है। अभी इस समय हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं डेढ़ टीस्पून के करीब चिकन मसाला। ये बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं है, बस मसाला ही है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप एक बार ट्राई करिएगा, बिल्कुल वेज है। तो
इसको ऐड करने के बाद हम हल्का सा इसको चला लिए। अब इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं हमारा फ्राई किया हुआ भिंडी। भिंडी आप किसी भी स्टाइल में कट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट आलू के साथ जब आप बनाएंगे ना, तो साथ ही साथ मतलब एक जैसा दिखने में ही अच्छा लगता है। इसलिए आलू जैसे हमने स्लाइस करा है, तो भिंडी को भी हमने थोड़ा बड़ा बड़ा काट दिया है। तो इसको इसी तरीके से मिलाते हुए मसालों के साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ढेर सारा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये पानी बस इस वजह से ऐड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आलू है वो बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से अगर आलू आप ऐड नहीं कर रहे हैं तो पानी मिलाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना पानी का ही मसाले के साथ भिंडी को थोड़ी देर तक कुक करने के बाद आप सर्व कर सकते हैं। ग्रीन धनिया इसके ऊपर आप स्प्रिंकल करके आप सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लीड को ढक दिया है और यहाँ पे जो है वो सब्जी बनके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। आलू जो है वो पक चुका है और हम गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को एक लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।